गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मणिनगर इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा भरने के बाद श्वेता भट्ट ने जमकर अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। पहला दिन पूरे दिन मणिनगर इलाके में घूमी, पहले दिन का क्या रहा अनुभव? श्वेता जी, आपके घर में इसके निशान दिखने शुरू हो गए हैं, फूल माला। अभी तक एक आप हाउसवाइफ के तौर पर फंक्शन करती थी, अब औपचारिक तौर पर राजनीति में आ गई हैं, सियासत में आ गई हैं। पहले दिन का प्रचार किस तरह का रहा अनुभव आपका? आज इनफैक्ट मैं पूरा इलाका देखने गई थी। आई वांटेड टू सी मणिनगर कि कैसा है, किस तरह का माहौल है उधर, क्या डेवलपमेंट हुआ है उधर। और एक बात समझ में आ गई है आज कि जिन जिन जगह, बहुत चुनी हुई जगह जहां से नरेंद्र भाई को वोट मिलते हैं, सिर्फ वही जगह मणिनगर के पूरे एरिया में ठीक है। वहां सड़कें हैं, वहां गटरें हैं, वहां स्कूल है, अस्पताल है, सब है। मगर उसके अलावा काफ़ी एरियाज जहां उनको वोट नहीं मिलते, या तो कांग्रेस पॉकेट्स हैं, या तो वो सब वोट्स की उनको मायने नहीं है जीतने के लिए, वहां बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। मैंने संजीव वाला मुद्दा तो कभी कहा ही नहीं है, मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हो रही है। और दूसरी बात, वो मुद्दा मुझे छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। संजीव इज़ अ वेरी कैपेबल ऑफिसर, वो अपने आप अपनी अलग लड़ाई है, तो उसको और इसको कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं जो बात कर रही हूँ, लोगों की बात कर रही हूँ, उनकी समस्याओं की बात कर रही हूँ, उनके मुद्दों की बातें कर रही हूँ। मैं इसको चैलेंज के तौर पे नहीं लेती हूँ, ना किसी ने मुझे खड़ा किया है। हाँ, टिकट अवश्य मैं कांग्रेस की लेके लड़ रही हूँ, और मैं मेरी मर्जी से, मेरे उसूलों के साथ ये इलेक्शन लड़ रही हूँ। आपकी USP क्या होगी जिस पर कि मणिनगर की जनता आप पर यकीन करेगी मोदी के सामने? मैं पहले तो उनके सभी जो झूठ बोलने की बातें हैं, जो झूठे प्रॉमिसेस हैं, वो बाहर लाने की कोशिश करूंगी। दूसरी बात, मैं झूठे वादे नहीं करूंगी। मुझे पता है कि मैं इतने बड़े कुछ वादे कर बैठूं तो मैं पूरा शायद करूं या ना करूं, मगर इतना यकीन से कहती हूं हर एक मणिनगर वालों को कि आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ होगी। आपके प्रचार की खासियत क्या होगी? मोदी का एक तरफ कैंपेन है, 3D कैंपेन है, बड़ी बड़ी सभाएं हैं, उसके सामने श्वेता भट्ट किस तरीके से मणिनगर में कैंपेन करेंगी? ये बिल्कुल अनइक्वल प्रचार होगा हमारा। ना मेरे पास गवर्नमेंट मशीनरी है, और मेरे तो हस्बैंड की गाड़ियां भी ले ली गई है, घर से लोग भी ले लिए गए हैं, तो मेरे ख्याल से मेरा प्रचार खाली मेरे बलबूते पर रहेगा, और मैं जितना कर सकूंगी उस तरह से करूंगी।